के टाइम में बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, वो सबको चेंज करके काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए, लेकिन अभी लास्ट 5 ईयर बहुत मतलब नॉर्मल था, कुछ खास इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। सरकार बिल्कुल बदलना चाहिए, सरकार एक ऐसी बननी चाहिए जो छात्रों की आवाज़ को बुलंद करे। परेशानी तो सबसे पहली बात है, पॉल्यूशन यहाँ बहुत है, कचरा सब जगह फेंका हुआ रहता है। यंग मुख्यमंत्री होना चाहिए, बूढ़ा से जमाना नहीं चलने वाला। उनको हम धक्का देंगे और नीतीश कुमार को बता दें कि चिराग पासवान सीएम बनेगा, क्योंकि वह बिहार के लिए पूरा एकदम सही है, क्योंकि अब जमाना बहुत आगे बढ़ गया भाई, पानी खाना रोटी से नहीं चाहिए हमको भाई। संतुष्ट है, स्टूडेंट के लिए तो काफी अच्छा कुछ हुआ है, काफी अच्छा हुआ स्टूडेंट के लिए। इस वक्त हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम वरुण कुमार सिंह है, पटना विश्वविद्यालय से। अच्छा, आपको मौजूदा सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? हम 1% भी संतुष्ट हैं मौजूदा सरकार से। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? परेशानी है जिस प्रकार से आप जिस कॉलेज में खड़े हैं, यहाँ का ग्रेडिंग पहले कुछ और था, आज ग्रेडिंग सी ग्रेड में चला गया। एक समय ये ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट माना जाता था, टेम्स नदी के किनारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ और गंगा नदी के किनारे पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर इसका जो एडवांटेज था इस प्रकार से गिरता चला गया कि आज पटना विश्वविद्यालय इस स्तर पर जाकर के खड़ा हो गया कि बिल्डिंग ढह रहा है, सारा कुछ समाप्त हो चुका है। आज समय आ गया कि पटना विश्वविद्यालय को बदला जाए और जो व्यवस्था जिस व्यवस्था के साथ यहाँ पर हम चल रहे हैं उस व्यवस्था में परिवर्तन करने का काम सरकार का है, सरकार यहाँ कुछ नहीं कर रहा। बेशर्मी का बात यह है कि यहाँ पर जिस प्रकार से सी ग्रेड मिला उसके बाद यहाँ के पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कहते हैं कि छात्रों के कारण यहाँ सी ग्रेड मिला। लगातार विभिन्न परेशानियां हैं, हर जगह परेशानियां हैं। यहाँ जिस कॉलेज में आप खड़े हैं यहाँ पर टॉयलेट नहीं है छात्राओं के लिए, आप जिस भी समस्या का बात कीजिए समस्या ही समस्या है, यहाँ पर कुछ सुविधा है ही नहीं। आप जिस भी विषय पर बात करना चाहिए आप पूछ सकते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए या फिर? सरकार बिल्कुल बदलना चाहिए, सरकार एक ऐसी बननी चाहिए जो छात्रों की आवाज़ को बुलंद करे। बिहार में आप परसों लगभग 4 दिन पहले पेपर में आया था, बिहार में अब तक 17 मुख्यमंत्री यहाँ से देने का काम किया, लेकिन किस बदहाल स्थिति में है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप खड़े हैं यहाँ पर महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, प्लेसमेंट सेल नहीं है, सिर्फ बीए का यहाँ पर डिग्री मिल रहा है और डिग्री लेकर के छात्र चला जा रहा है ना। नीतीश कुमार जी जो भी किए कोरोना काल में कुछ भी नहीं किए। क्या उम्मीद है? उम्मीद क्या? अच्छा, आपको इस सरकार से क्या उम्मीद है? हमको अब उससे कोई उम्मीद नहीं रहा 15 साल के अंतराल में। आपको क्या लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए? हाँ, दम बदलनी चाहिए, 100% बदलनी चाहिए। कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? कोई भी युवा मुख्यमंत्री अगर कोई बन जाए बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा। विपक्षी पार्टी से तो अभी तेजस्वी यादव हैं, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए बिहार का? तेजस्वी यादव जी हो या चिराग पासवान जी हो, दोनों में से किसी एक का ही बनाइए। अच्छा, तेजस्वी यंग मुख्यमंत्री होना चाहिए, बूढ़ा से जमाना अब नहीं चलने वाला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज सिंह हुआ। आपका नाम क्या हुआ? सारिका जी। आप कौन से ईयर में हैं? सेकेंड ईयर। अच्छा, आप मौजूदा सरकार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनसे आप मैम कितना संतुष्ट हैं? हाँ, ये अच्छा काम कर रहे हैं, लास्ट डे मतलब शुरू के 5 ईयर्स में तो बहुत अच्छा काम किए थे, बहुत कुछ चेंज किए थे, जो लालू यादव के टाइम में बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था वो सबको चेंज करके काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए, लेकिन अभी लास्ट 5 ईयर बहुत मतलब नॉर्मल था, कुछ खास इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला, सब कुछ जैसा चल रहा था बस वैसा ही चल रहा है। तो अगर वो आगे कुछ नया लाए, कोई प्लान्स लाए, जैसे पिछली बार था उनका वो 10 प्रतिज्ञा करके कुछ, तो वैसा कुछ न्यू प्लान्स लाते तो फिर वो सही है, और कंपैरेटिवली देखा जाए तो बाकी सबसे हमको वही बेटर लगते हैं। बाकी सबसे वही बेटर लगते हैं? वो कोई मतलब वैसे लोगों को नहीं लेते जिनका बैकग्राउंड मतलब कुछ गंदा हो, जैसे कि राजद ले रहा है वो बैकग्राउंड पे नहीं जा रहा कि चुनावी प्रत्याशी का क्या बैकग्राउंड है, वो लोग का बैकग्राउंड क्लीन है या नहीं, जेल वेल गया नहीं, पर ये सब नीतीश सरकार इस बार ध्यान दे रही है तो ये अच्छा चीज़ है। आप चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे? हाँ। क्या नाम है आपका? सृष्टि चंद्रा। आप पढ़ती हैं? हाँ, पढ़ती हैं आप? हाँ, यहीं पे पढ़ते हैं वाणिज्य में। अच्छा, आप ये बताइए आपको इस मौजूदा सरकार से क्या मांग? इस मौजूदा सरकार जी अभी नहीं नहीं आप हम बात कर रहे हैं राजनीति की, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, आप उनसे क्या मांग करती हैं? बहुत कुछ मांग करने का अगर हो तो। अच्छा, क्या परेशानी है आप? परेशानी तो सबसे पहली बात है, पॉल्यूशन यहाँ बहुत है, कचरा सब जगह फेंका हुआ रहता है। शिक्षा और बेरोजगारी? शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, कभी वो जाके गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके। आपको क्या लगता है कि रोज़गार देने में सरकार कितना कामयाब हो पाई? रोज़गार तो दे देता है पर वो अच्छी तरह से सबको काम चल रहा है या नहीं ये कभी फिर देखने नहीं आता है दोबारा, रोज़गार तो दे देता है। हाँ, शिक्षा की पॉलिसी जो है अभी उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं, शिक्षा पॉलिसी अच्छी है बट हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस का हालत थोड़ा खराब है। गवर्नमेंट पॉलिसीज का हालत खराब, आप उसमें बदलाव चाहती हैं? हाँ, तो यहाँ पे हमारा लाइब्रेरी अच्छे से नहीं है, हमारे सारे सभी मतलब नोटिसेस अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पाते, बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है हम लोग को। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए? सरकार अगर नई सरकार अच्छी हो तो फिर कोई काम भी आए ना। सब लोग प्रोमिसेस तो करते हैं पर कोई निभाता नहीं है। तो इनका कहना है कि सब लोग प्रोमिसेस करते हैं लेकिन कोई निभाता नहीं है, ये बड़ी बात कह रही है ये। क्या नाम है सर आपका? नाम देवा कुमार। क्या करते हैं आप? यहाँ से बीए किए हैं आपको इंग्लिश डिपार्टमेंट से, पटना कॉलेज से। तो सर आपको क्या लगता है कि सरकार जो है रोजगार की दिशा में जो भी काम कर रही है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? सरकार जो है आपको अगर शिक्षा दे रही है तो कामिल शिक्षा दे, जो कामयाब शिक्षा दे, रोजगार हमें मिले। और रोजगार के लिए आपको सरकार को सोचना भी चाहिए। पटना विश्वविद्यालय में देखिए इतना सारा कोर्स है, यहाँ प्लेसमेंट से काम ही नहीं करता है, कहीं प्लेसमेंट से यहाँ कोई आता ही नहीं है, बच्चा लो ऐसे घूम रहा है वैसे घूम रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए? सरकार, नई सरकार आनी चाहिए क्योंकि 15 साल उधर दिया गया लालू जी के, लालू परिवार को, नीतीश कुमार को। थोड़ा जोर से बोलिए। 15 साल जो है ना लालू परिवार को दिया गया, 15 साल जदयू को दिया गया, अब शायद लगता है न्यू सरकार आना चाहिए। तो नई सरकार किसकी बने? चिराग पासवान का आना चाहिए, बहुत पढ़े लिखे ईमानदार है, हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे और जो बेईमानी कर रहा है उनके साथ में उनको हम धक्का देंगे। और नीतीश कुमार को बता दें कि चिराग पासवान ही सीएम बनेगा क्योंकि वह बिहार के लिए पूरा एकदम सही है, क्योंकि अब जमाना बहुत आगे बढ़ गया भाई, पानी खाना रोटी से नहीं चाहिए हमको भाई, अब पूरा जो और स्टेट डेवलप में है, हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा बढ़िया दीजिए। खासकर देखिए पटना विश्वविद्यालय जो बिहार में फेमस है, 3 साल में डिग्री देती है लेकिन किस काम का, रोजगार ही नहीं है, प्लेसमेंट सेल बैठा हुआ है, हमेशा लॉक लगा रहता है। तो सरकार यहाँ जो भी मतलब बड़े बड़े लोग बने हैं उन लोग से आग्रह है कि यहाँ प्लेसमेंट सेल की व्यवस्था करें, बच्चों को अच्छा भविष्य। जी क्या नाम हुआ आपका? सभा जी। सभा सभा। अच्छा आप ये बताइए कि अभी जो मौजूदा सरकार है इससे आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी अच्छा कुछ हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ स्टूडेंट के लिए। और एक तरह से देखा जाए और सबके बेस पे लिया है तो उन लोग के लिए मतलब एग्जाम के बेसिस पे अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या परेशानियों का सामना करना आप? बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई हुई नहीं है, हाफ सेमेस्टर पढ़ाई हुआ, उसके बाद कॉलेज बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद हम लोग की पढ़ाई जो थी वो रुक गई है। अभी घर में जितने लोग पढ़ रहे तो ठीक है बट स्कूल कॉलेज की बात ही अलग होती है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को। तो अच्छा राजनीति में आप इंटरेस्ट रखती हैं? नहीं। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार, मतलब तेजस्वी की सरकार बननी चाहिए या फिर नीतीश कुमार की? हाँ, जहाँ तक हम घर में सुनते हैं या मोहल्ले वगैरह में तो वो लोग तो बोलते हैं कि वो नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार की ही सरकार बननी चाहिए। इस बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। बीजेपी मतलब वही नीतीश कुमार की सरकार? नीतीश कुमार का नहीं लेकिन मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, लेकिन जितना बीजेपी को चाहिए। अच्छा इनका कहना है कि बीजेपी जीते लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार का ना हो ना, क्यों? बस यही मतलब इसको 15 साल कर लिया, कुछ नया को बनना है। कुछ नया तो बिहार मांगे कुछ नया,